गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 21 जून 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मैं अर्चना सिंह आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज के करंट अफेयर में क्या स्पेशल है, क्या देश और दुनिया में नया हुआ, इकोनॉमिक और स्पोर्ट्स में क्या न्यू थिंग्स हुई, तो उसके बारे में आज देख लेते हैं। इससे पहले जो हमारी मेंस की सीरीज चल रही है, प्लीज़ उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, आज सूर्य ग्रहण भी है तो उससे थोड़ा सा बच के आप लोग रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान लॉन्च करेंगे। तो ये कब लॉन्च करेंगे? तो ये लॉन्च करेंगे 20 जून, मतलब कि अब ये कर चुके हैं लॉन्च। और इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य किए जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विरोध के बावजूद नेपाल के राष्ट्रपति ने नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो किस राष्ट्रपति ने दी है ये? तो ये दी है हमारे नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने ये मंजूरी दी है। उनकी मंजूरी के बाद ये नक्शा जो है वो नेपाली संविधान का हिस्सा बनाया जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से किस शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। तो आप लोग को जैसा कि पता होगा, भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो उड़ीसा के पुरी से निकाली जाती है, तो यहाँ रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा है अगर वो इसके लिए अनुमति देते हैं तो भगवान उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस यात्रा के द्वारा कोरोना बहुत ज़्यादा फैला है वो और भी फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री अवार्ड के लिए किस फुटबॉलर का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है। तो ये इन्होंने किया है IM विजयन का नाम। ये पद्मश्री अवार्ड देने के लिए खेल मंत्रालय ने ये नाम भेजने का फैसला किया है। उन्हें पहले 2003 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और साथ ही वे 3 बार AIFF प्लेयर्स ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं IM विजयन। तो ये आप याद रखेंगे कि IM विजयन एक बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं इंडिया के थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस विमेंस टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज रेचल प्रिस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये है न्यूजीलैंड विमेंस क्रिकेट टीम की। इन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के सलाना कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं मिली थी, लेकिन अब भी वे तस्मानिया के लिए क्रिकेट खेलती रहेंगी, बट उन्होंने न्यूजीलैंड विमेंस टीम की विकेट कीपर और बल्लेबाज की पद से इस्तीफा दे दिया, मतलब संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय चैंपियनशिप 2022 के टूर्नामेंट में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है। तो ये किया गया है 4 नए खेलों को शामिल। इस कमेटी ने, जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, इसने 4 नए खेलों को शामिल किया है जिसमें स्विमिंग शामिल नहीं है। चैंपियनशिप 2022 में 11 अगस्त से 21 अगस्त तक जर्मनी के म्यूनिक में होगा ये चैंपियनशिप। तो याद रखेंगे 2022 में अगस्त में जर्मनी के म्यूनिक में ये चैंपियनशिप होगी। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को। यह दिन जो होता है वो शरणार्थियों को सम्मान दिलाने, उनकी दुर्दशा की तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है, और इसके मनाने की शुरुआत जो हुई थी वो 2001 में हुई थी। हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोटेस्ट शुरू किया है? तो ये किया है फेसबुक ने। फेसबुक की अगर हम बात करें तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में और इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक सिकुड़ने, मतलब कि गिरने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ADB की स्थापना जो हुई है वो 19 दिसंबर 1966 को हुई है। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मात्सुगु असाकावा।
हाल ही में किसने COVID-19 के लिए भारत में पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? तो ये की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो दिल्ली से सांसद भी हैं। इन्होंने COVID-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब आई लैब लॉन्च की है। मोबाइल लैब का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकी कमी को दूर करना और निरंतर आत्मनिर्भरता के एक चरण को आगे बढ़ाना है। तो आज खत्म होता है करंट अफेयर। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।